बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अल्ताफ, एजुकेशन वाला प्रिंसिपल ऑफ रेहान स्कूल कुरंगी कैंपस। आज मेरे साथ मौजूद हैं एक गेस्ट, जो स्पेशल गेस्ट है हमारे लिए। ये लाहौर कहाँ से हैं? सॉरी, क्यारा से आई हैं, और आज ही हमें मौका मिला कि इसने हमारे लिए रेहान स्कूल कुरंगी कैंपस विज़िट किया। और सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारा स्कूल विज़िट किया। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि ये हमारा ऑफिस है, प्रिंसिपल ऑफिस, यहाँ पे मैं बैठता हूँ। ये वॉल ऑफ रेहान अल्लाह वाला है, तो अभी हमने ये उस पे है, रेलगेट पे है, तो इंशाल्लाह वो वॉल पूरी बनी। ग्रेट। और ये सेल्फी वॉल है, तो जैसे कि जो बंदा आता है और रेहान भाई मौजूद नहीं है, तो उसके साथ वो सेल्फी लेके उसको टेक कर सकता है। तो एलेसन हमारे पास हैं, तो एलेसन यहाँ विजिट करके गई हैं। अच्छा। तो उसके साथ हम सेल्फी निकालते हैं और उनको विजिट करते हैं। तो ये ऑफिस है, जो कि आपने कभी ऐसा ऑफिस देखा नहीं होगा, कि एक नई तरीके से हमने इसको बना लिया ताकि हमारे बच्चों को लगे कि ऐसा भी ऑफिस बन सकता है। वाह, वेरी नाइस ऑफिस। तो ये हमारे सेल्फी वॉल्स हैं, और पटेल साहब, ये मैं इनको जानती हूँ। आई नो बोथ ऑफ देम, रेहान अल्लाह वाला एज वेल। और साथ में हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉग है। अच्छा, ग्रेट। जहाँ पे एडमिशन और डिफरेंट चीज़ें और देखी जाती हैं। हाँ, कार्ला, ये कार्ला रिचमैन है, जो हमारे स्कूल में आई थी और अभी भी आने की कोशिश तो कर रही है। अच्छा अच्छा, इंशाल्लाह आएगी। तो ये हमारे बच्चों के साथ बात करती है, ये सिखाने में कोशिश करती है। ग्रेट। और साथ साथ ये अमीर साहब हैं, और साथ में हमारे साथ अम्मा जाफरी साहब हैं, और डिफरेंट वॉल ऑफ टीचर्स, ये क्वालिफिकेशन टीचर्स। और ये हमारी बेसिकली मनवर लैब है, ये मनवर रूम है, जो कि रेहान भाई की वालदा का नाम है। अच्छा। तो इंशाल्लाह इसको मनवर उसके हम लैब से वो करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर बेसिकली ये है कि आपको नज़र नहीं आ रहा कि कहीं पे कोई कंप्यूटर है, लेकिन लैब कैसी है। तो जो स्कूल की तरफ से बच्चों के इंस्टॉलमेंट पे हम जो लैपटॉप दे रहे होते हैं, तो वो बच्चों को ही देते हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद ही बच्चों को उनको लैपटॉप देते हैं, तो अपने साथ लेके आते हैं और अपने साथ लेके जाते हैं। और साथ में हमारे पास एक दूसरी चीज़ है, ये साउंड प्रूफ हमारे पास रूम है, साउंड प्रूफ रूम है। अच्छा, जहाँ पे आपको कोई कॉल या कोई इंटरव्यू करना होता है, तो आप यहाँ बैठ के इंटरव्यू करते हैं, तो बाहर की आवाज़ अंदर जाती है। ये खुद हम लोगों ने खुद बनाया है। अच्छा, ये खरीदा नहीं है। अगर आप ये खरीदती हैं तो 4.5 लाख का है। अच्छा। तो ये यहाँ पे हमारा साथ जो इमरान स्ट्रीट वाला है, वो उसने एक आइडिया रेहान भाई का था, उसने बना लिया। सही। ये हमारा नीचे वाला फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर है। ओके ओके। सो अगर हम मतलब कोई बच्चा आपके स्कूल में ऑनलाइन एडमिशन लेना चाहता हो, वो यहाँ मूव ना कर सकता हो, सो उसका क्या क्राइटेरिया होगा? उसके लिए अभी हम एक वो बना रहे हैं शेड्यूल, ताकि जो सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, बाहर ममालिक से भी लोग हमें ज्वाइन करना चाह रहे हैं, जी, वो भी कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम टीचर का अरेंज कर सकते हैं। सो यू आर वर्किंग ऑन दीस गोल्स? तो ये सारे क्या क्या हैं, एसएसडी गोल्स, इसके ऊपर हम वर्क करते हैं, देखते हैं रोज़ाना यहाँ पर, और अपना उनका गोल रोज़ाना उनको रिमाइंडर देता है कि हाँ, अच्छा, कुछ कर रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है, हम सबसे पहले ऊपर से जाएँ तो बेहतर था। चलो। अच्छा, तो ये जो 4 क्लासें हैं, ये हमारे पास नर्सरी के जी 1 KG 2 वाली क्लासें यहाँ पे अभी मौजूद हैं, जो उनके साथ LED लगी है। अच्छा। तो एक स्कूल चलाते थे, द सिटी ऑफ नॉलेज स्कूल। ओके। तो वही स्कूल अभी तक जो बच्चे हैं करीब के, तो वो जा नहीं रहे, उनको हम वो भी साथ लेके चल रहे हैं। सही। ये सारे जो हैं सक्सेसफुल ई-कॉमर्स के लोग। जी जी, ये सारे सेल्फियाँ वॉल्स लगी हैं, जो यहाँ विजिट करके गए हैं, तो फिर हम उनको ऐसे सेल्फी वॉल बनाते हैं। तो क्योंकि ये हमारे पाकिस्तान के हीरोज़ हैं, जो हमारे बच्चों के मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। तो देन ये 2 बिल्डिंगें हैं, जो बीच में गली है। अच्छा। दो को ज्वाइन करती है गली। सही सही। ये मेकर स्पेस है, जहाँ पे बच्चों की
यह सिखाते हैं कि आप अपने घर में जो टूल्स हैं, आपका टेबल है, आपकी स्त्री है, कुछ भी है, वो ख़राब हो तो आप खुद ठीक कर सकते हो। अच्छा, एक हमारे पास हैंडीमैन है, वो सारी चीज़ें सिखाता है। That's great. जैसे मेरी टेबल ख़राब है तो इधर सारी औजार मौजूद हैं जो उनको ठीक कराना सिखाते हैं, कलर करना, सारी चीज़ें हम बच्चों को ये भी सिखाते हैं। ज़बरदस्त। ये हमारा स्टार्टअप रूम है। अच्छा, स्टार्टअप रूम बेसिकली ये है कि हम विदाउट मनी के कैसे बिजनेस कर सकते हैं, तो उसके बारे में, या कोई बिजनेसमैन हमारे पास आता है जी, तो वो यहाँ पे क्लास देता है कि बिजनेस के हवाले से, तो अच्छा, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं इस रूम के अंदर वो बिजनेस के हवाले से। क्लास 6 का यानी कि 12-13 साल का जो बच्चा है वो ये सीख सकता है कि बिजनेस कैसे किया जाए। आप तो बहुत अच्छी स्किल्स सिखा रहे हैं सब बच्चों को, लाइक ये बहुत ज़रूरी है, बेसिक लाइफ स्किल्स भी, और बिजनेस कैसे करना है, पॉवर्टी को कैसे ख़त्म करना है। और ये हमारा है यूनाइटेड नेशन, वेरी नाइस वॉल रूम है, तो ये भी थोड़ा रेनोवेट हो रहा है। वंडरफुल। यहाँ पे मैं एक पिक्चर बनाई। ये जब बंद होता है तो ये सारे हमारे पास क्या है, खूबसूरत सा रूम बनता है। वेरी नाइस। तो यहाँ पर इस क्लास का मकसद ये है कि वो बच्चा ये फील कर सकता है, इस टाइम मैं यूनाइटेड स्टेट के अंदर बैठ के मैं स्पीच कर सकता हूँ। वंडरफुल। तो वो हौसला उसका बुलंद हो सकता है। पहले अगर इस तरह कोई चीज़ हमने नहीं देखी तो हमें डर सा होता है ना। जब मेरे दौर में मैं कहता था मैं नहीं बोल सकूंगा, तो वो टीचर मुझे कह रही थी कि आपको अपने घर में जो सब्जियां हैं, जो गोभी हैं, उनको ये समझे कि ये सारे सर जो हैं किसी लोग बैठे हैं उनके साथ जाके बोलें। तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं, और ये रूम का बेसिकली मकसद क्या है कि वो बच्चा फ्रेश रहे। और स्कूल में बहुत ज़्यादा टाइम गुजारता है। ये तमाम ममालिक के जो फ्लैग होते हैं जी, वो हैं। लवली कॉन्सेप्ट, और लाइक जैसे मिरर के आगे आप खड़े होकर स्पीच करें तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका अप होता है, तो सेम एज वेल लाइक सेम आप लोगों ने इसको थीम दिया हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चों में इससे कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा। जी जी जी। ये हमारा AI लैब है। अच्छा। बेसिकली इस क्लास में क्लास 4, 5 और 6 का बच्चा यहाँ बैठता है, जो पहले दिन, 2 दिन, 4 दिन के होते हैं। अच्छा। तो सीखने के जो स्टार्टअप है क्लास, जो रेहान स्कूल करेंगे कैंपस में बैस, उन बच्चों को यहाँ बिठाते हैं ताकि उनको समझ आए कि AI कितनी जल्दी फास्ट चलती है। तो ये टोटली एक माहौल ऐसा क्रिएट किया है ताकि वो बच्चे वहाँ पर मज़े से बैठे। बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस। और इससे नीचे हमारे पास गेस्ट रूम्स हैं। अच्छा, जो आपके गेस्ट आते हैं वहाँ स्टे करते हैं। जी जी, 2 गेस्ट रूम्स हैं। ओके। और जहाँ पर लोग स्टे करते हैं, जैसे फिलहाल अभी जो मुफ्ती साहब हैं और हमारे पास दौलत साहब हैं, वो यहाँ पर रेस्ट करते हैं। अभी उनको दूसरा एक घर खरीदा है। कौन से मुफ्ती? मुफ्ती जो नीचे बैठे थे ना, एक ओके, सही फैसलाबाद के। अच्छा। एक ये हमारा स्टूडियो है जो अभी रेनोवेट हो रहा है। ओके। अभी हुआ नहीं है। तो दूसरा हमारा ये म्यूजिक स्पेस कि हमें इधर थोड़े शूज उतारने पड़ेंगे, सॉरी। ओके, नो इट्स ओके। फैन नहीं चला। तो ये ब्रॉडकास्ट रूम है जहाँ पे बच्चों को एक प्यारा इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं बच्चे, ऐसा प्यारा सा माहौल बनता है, तो जहाँ पे ब्रॉडकास्ट करने को मौका मिलता है। वैसे एक पिक्चर लेते हैं हम लोग। श्योर। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब आपका सफर दोबारा हो इंशाल्लाह, ब्रॉडकास्ट करें इंशाल्लाह, जरूर, श्योर।
तो यहाँ पे हैं टीचर्स, बच्चे सब अपना ब्रॉडकास्ट रिकॉर्ड कराते हैं, अच्छा ग्रेट. फिर जाके फिर एडिट होता है, फिर हम अपने रेहान स्कूल ब्रॉडकास्ट का हमारा पेज है, इसके ऊपर हम अपलोड करते हैं। ठीक है. मैं आपका जो है ऑलरेडी फॉलो कर रही हूँ, लिंक भी शेयर करूँगी अपने स्कूल ग्रुप्स में. जी सो जी बहुत अच्छा लगा आज आपका स्कूल देखकर. माशाल्लाह काफ़ी अच्छी बड़ी बिल्डिंग है और रूम्स बहुत प्यारे, बहुत ही अच्छे आप लोगों ने डिकोर किए हुए हैं और बच्चों के कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंगली आपने बनाए हुए हैं. जी और दूसरा क्या है, ये सेटअप वो वाला हमारा अलग कलर है, वो अलग है। हम अपना बैकग्राउंड एक रूम के अंदर, तीन बैकग्राउंड के अंदर बैठ के हम अपना बोर्ड कास्ट कर सकते हैं। जैसे अभी सही. यहाँ पे है, हम उस पर पिंक में भी या कर सकते ग्रेट. हैं, ब्लैक में भी कर सकते हैं। वेरी नाइस. तो दूसरा, मैं बोर्ड कास्ट की तरफ चलते हैं। ये पूरा सिस्टम हमारा सोलर के ऊपर है, पूरा सिस्टम सोलर के ऊपर है, बिजली नहीं है। अच्छा हाँ, वाह, बहुत जबरदस्त है. ये भी अभी कलर्स हो रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट किया है। तो ये भी बहुत प्यारा है. ये 1x4 है, 1x4 मतलब आप यहाँ भी बैठ सकते हैं उस तरफ, दो तीन, और ये हमारा चौथा है। इसमें बैठ के हम अपने ब्रॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं। आप बैठे दोबारा एक और पिक्चर लेते हैं। बहुत प्यारा रेहान भाई ने स्कूल डिज़ाइन किया बहुत है, जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा मुझे और आज. हर बच्चा यहाँ से जाने का दिल नहीं करता, ट्रू. और साथ में जितने स्टाफ है, जितना टीचर है, सबका यही है। मेरे खुद के जो टाइमिंग होती है, 11-12 बज जाता है, सुबह अच्छा मैं 7-7:30 में पहुँच जाता हूँ सही. तो और रात के 11 बज जाता हूँ। बच्चों का स्कूल टाइम यहाँ पर क्या है? बच्चे का टाइमिंग 2 बजे तक है, लेकिन वो 5 बजे तक, ज़्यादातर बच्चे 5 बजे तक जाते अच्छा, और डेली की इनकी क्या होती है, मतलब टाइम टेबल कोई बनाया हुआ है या अपनी मर्जी से ही हैं। ये अपना टाइम दिन टेबल स्पेंड 2 बजे करते तक हैं? हमारा टाइम टेबल के थ्रू होता है। जैसे ओके ठीक मॉर्निंग पे असेंबली होती है, वो भी लाइव है. होता है, फिर मेडिटेशन लाइव ओके होता है, योगा होता है, तो ओके 9 बज जाते हैं। सही. फिर इनको हम पोस्ट बनाना सिखाते हैं, ओके कि उसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड करना। फिर ग्रेट. टेडेक्स दिखाते हैं, जिसको वो रियू बना के डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे अपलोड अच्छा. करना, इंटरव्यूज करना, फेसलेस वीडियो बनाना, और इस तरह AI के ऊपर जाके जो नए टूल्स हैं उसको पढ़ना, रोजाना। फिर एक इंटरव्यू एनी के साथ कराते हैं, एक ओके कॉल एनी के साथ। सही. तो ये सारे टाइम बाय टाइम होता है, लेकिन वो बच्चा और बैठता है तो और सीखता है। जैसे कनेक्शंस मिलते हैं बंदे को, तो उसका दिल, जैसे ओके आप स्कूल जब आई थी या जब आना चाह रही थी, आपने सोचा 10-15 मिनट लेके मैं निकल जाऊँ, तो जब आप विजिट करती हैं तो फिर आप एक इंसान बिल्कुल की एक व्यक्ति लर्न को करता है लर्न और करते विजिट हैं। करता है और और इंटरेस्टिंग लगता है सब हाँ, कुछ. तो अप्रॉक्स ही बच्चों को सीखने में कितना टाइम लग जाता है, जो आप लाइक दिखा सिखाते हैं कि पोस्ट कैसे करना है, कैनवा पे कैसे बनाना है, और टेडेक्स, मतलब ये कॉन्सेप्ट अगर बच्चों का क्लियर हो जाए तो फिर उसके बाद वो ऑटोमेटिकली वो इसको फॉलो करने लग जाते हैं. तो इसमें कितना टाइम लगता जब है कि फर्स्ट वो? हमारा बेज स्टार्ट हुआ था ना, तो हमारा अच्छा खासा वक्त लगा था। उसके बाद दूसरा जब बेज आया ना, उसको और कम टाइम लगा। अभी जो तीसरा जो बेज आया ना, मतलब बेज तीसरा जो बच्चा आया है, वो उन सबसे फास्ट है, अच्छा. क्योंकि वो माहौल क्रिएट होके उनको मिल गया ना, कि मसाले कैसे मिक्स करना, उन बच्चे को जल्दी समझ आया। जी. वो सबसे तेज़ी में करता है वो बच्चे। तो उसके बाद जो बच्चा आएगा, वो जैसे अभी आपको अर्श नाम का बच्चा सवाल जी कर रहा जी था, उसका आज दूसरा दिन है, आपको यकीन अच्छा आएगा कि उसका दूसरा दिन है। नहीं. वो अब उस सबसे तेज इसलिए है कि वो वहाँ हर बच्चे के साथ बैठ रहा होता है, अलग अलग वो सीख रहा होता है, जी एग्जैक्टली. तो उसको ज़्यादा तेज़ी हो जाएगी। इस तरह ये हमारा बैकग्राउंड है, ये हमारा बैकग्राउंड, इसको यूज़ करते हैं, ये हमारा बैकग्राउंड। इंशाल्लाह ये ऊपर के हमारे 4 रूम्स हैं, तो ये 2 हमारा क्लियर तैयार हुआ है, और बाकी 4 रूम्स को भी हम इस तरह प्रिपेयर करना चाह सही. रहे हैं। वेरी नाइस, वंडरफुल. सबसे पहले स्टूडियो बनाया था हम लोगों ने ये, तो एक्सक्यूज उस टाइम आइडिया नहीं था कि अच्छा किस तरह अच्छा का बनेगा, कैसे होगा। तो बस सिंपल सी एक कारपेट थी,
और एक सोफा सेट लगाया था। अच्छा, तो सबसे पहले वाला ये था, ये स्टूडियो था, राइट। और इस दफा जो रमजान हम लोगों ने ट्रांसमिशन किया था ना, अच्छा, तो वही वाला था, रेहान ट्रांसमिशन हमने पूरा यहाँ पे किया था। अच्छा, वन मंथ रमजान जी, राइट। ये हमारा ऑडिटोरियम है, फिर हमें इसे घूम के निकलना पड़ेगा। सबसे प्यारा हमारा ऑडिटोरियम है, जो बहुत एक बड़ी जगह है। yeah. हमारा ऑडिटोरियम है जहाँ पर हमारी सुबह असेंबली होती है। ओके okay. योगा और मेडिटेशन तीनों चीज़ें यहाँ करते हैं हम लोग। अच्छा, और इसके साथ यहाँ हम नमाज पढ़ते हैं। और साथ साथ जो भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें तो वो यहाँ पर कंडक्ट करते हैं। अच्छा, वंडरफुल, वेरी नाइस। ठीक है, तो अभी हाल में एक हमने प्रोग्राम किया था, द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन, जिसमें सिर्फ पेरेंट्स के लिए था। अच्छा, तो पेरेंट्स कोई भी आ सकते थे, उनके लिए प्रोग्राम किया था। सही। और ये जो 500 म्यूचुअल फंड जिसपे आप भी अभी कर रही हैं, जी जी, तो सबसे जो बेहतरीन चीज़ है ना, रेहान भाई के पास जो खजाना अलग का, तो उसके अंदर है ये 500 म्यूचुअल फंड के अंदर जी। जो हमने सीखा है बहुत बेहतरीन, तो यहाँ लगा के हम लोग करते हैं, इनके साथ सेल्फी निकाल के अपलोड करते हैं। अच्छा, और टेक अच्छा। करते हैं, तो फिर उनके साथ हमारा कनेक्शन राइट। तो यहाँ तो काफ़ी लोग अवेयर होंगे, क्योंकि रेहान अल्लाह वाला खुद सेशन करते हैं, तो इस एरिया के जो लोग हैं उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिला। नहीं करते, लाइक उनके बिहाफ पर कौन? तो रेहान भाई कभी आते हैं तो सिर्फ बच्चों के साथ, जो बच्चे हैं उसके साथ टाइम। सही सही। और किसी को यहाँ आके टाइम दिया नहीं। अच्छा अच्छा, तो फिर ये सेमिनार्स वगैरह कौन यहाँ पर अटेंड, मतलब लाइक कौन जैसे पेरेंट्स होते हैं? तो हाँ, स्कूल ही करता है रेहान, स्कूल ही करता है रेहान भाई खुद करता। अच्छा, अच्छा, लेकिन खुद रेहान भाई जो अटेंड करते हैं कभी भी, तो सिर्फ उन बच्चों के लिए करते हैं जो यहाँ स्कूल का पहले सा हो। अच्छा, औरों के लिए वो नहीं करता। ओके, राइट। ये है, तो बाकी ये हमारी सेल्फी वॉल है। सही। असल में ये नीचे था, तो अभी वो नीचे सारा पूरा बना है ना। अच्छा, इन प्रोसेस। ये सेल्फी वाल है हमारी। ग्रेट।